I'm audible

देखने को मिलेंगे क्या क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स देखने को मिलेंगे ये अपने को देखना है तो दिस इज अब्स दिस इस थोरेसिक नर्व की पॉलिसी जो मैंने लिखी हुई है की वो सी फाइव सी सिक्स भी जाता है जो किसकी वजह से है? अपर ट्रंक की डिफॉर्मिटी की वजह से है कि अगर अपर ट्रंक में कहीं पे इंजरी हो जाती है तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कि कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होंगी तो जैसे कि मैंने उसमें डायग्राम में दिखाया सी फाइव सी सिक्स नर्व रूट इन्वॉल्व होगी

नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है जब इसमें तो एक्सिलरी नर्व का टोटल डैमेज इसमें अपने को देखने को मिलता है नेक्स्ट इज मस्कुलटेनियस नर्व का इन्वॉल्वमेंट होएगा मस्कुलो किटेनियस नर्व की इंजरी की वजह से जनरली अब पालिसी में मस्कुलर किटेनियस नर्व एंड रेडियल नर्व का पार्शियल डैमेज देखने को मिलता है तो इसका मतलब ये जिस जिस मसल को सप्लाई कर रही थी उसमें से कुछ मसल्स की अपने को पॉलिसी देखने को मिलेगी कुछ मसल जो है इसकी काम करती रहेगी जैसे कि मैंने मस्कुलर किटेनियस नर्व का बताया कि तीन मेन मसल को सप्लाई करती है वन इज बाइसेप्स ब्रेकाई सेकंड इज ब्रेकिअलिस एंड थर्ड इज क्रोको ब्रेकिएलिस ठीक है तो उन मसल्स का क्या काम है अच्छा चलो वो आगे करेंगे अपने उन मसल्स जो ये मैं बता रही हूं बीबीसी जो जिसको कौन सप्लाई जो सप्लाई करी सप्लाई हो रही है से इनका मेनली क्या काम होता है ये क्या करवाती है जो अपने अगर सीधे मतलब लेटे कमर के बल और से हाथ जब ऊपर की तरफ फेसिंग करते हैं ना तो उसको सुपाइन पोजिशन बोलते हैं फेसिंग डाउनवर्ड है तो उसको प्रोनेशन पोजिशन बोलते हैं तो जो ये बीबीसी जो मसल है इनका मेनली क्या काम है जो के मस्कुलरकेटेनियस नर्व से सप्लाई कर रही है इसका काम है एक तो करवाना हैंड का, second, करवाना ये काम नहीं करेंगी, तो जिसकी से क्या होगा अपना हैंड जो है फोर आर्म है वो सुपाइनेशन पोजिशन में नहीं रह पाएगा अब सुपाइनेशन का लॉस हो रहा है तो इसका मतलब रेडियो ज्वाइंट पे क्या रहेगा प्रोनेशन रहेगा तो इसीलिए इसमें अपने क्या देखने को मिल रहा है प्रोनेशन एंड तो एक्स टेंशन एट एल्बो जॉइंट, ठीक है ये जो दो सिम्टम्स अपने को देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे ये किसकी वजह से देखने को मिल रहे हैं क्यों क्योंकि मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व का डैमेज हो रहा है तो एक्सटेंशन रहेगा एल्बो ज्वाइंट पे इसका काम था फ्लेक्शन करवा के रखना ये अपने सप्लाई नहीं देंगी तो एक्सटेंशन रहेगा एल्बो ज्वाइंट पे एंड सुपाइनेशन का लॉस होगा जिसकी वजह से प्रोनेशन अपने को देखने को मिलेगा सेकेंड यहाँ पे क्या होगा एडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन एट शोल्डर ज्वाइंट ये किसकी वजह से हो रहा है क्योंकि जो एक्सिलरी नर्व है एक्सिलरी नर्व मेनली किसको सप्लाई करती है डेल्टॉय को एंड टेरिस मेजर मसल को माइनर मसल को सप्लाई करती है। एक्सिलरी नर्व की दो सप्लाई मेनली तुमको ध्यान रखनी है वन इज की डेल्टॉइड मसल को सप्लाई करती है सेकेंड

एंड सेकेंड इज टेरिस माइनर को सप्लाई करिए एक्सिलरी नर्व टेरिस माइनर मसल का क्या काम होता है एक्सटर्नल रोटेशन करवाना एट द लेवल ऑफ शोल्डर जॉइंट एक्सिलरी तो नर्व काम नहीं कर रही है तो ये प्रोसेस भी नहीं होगा और ये प्रोसेस भी नहीं होगा दोनों नहीं होंगे तो अपने को क्या देखने को मिलेगा शोल्डर ज्वाइंट पे एडक्शन देखने को मिलेगा एंड शोल्डर ज्वाइंट पे ही इंटरनल रोटेशन देखने को मिलेगा ठीक है ये समझ आए ना इसको इसी तरीके से ही याद रखना की एक्सिलरी नर्व कौन सी मसल को सप्लाई कर रही है फिर उस मसल के लॉस उस मसल के फंक्शन की लॉस की वजह से हमको ये देखने को मिल रहा है तो इससे तुमको दो चीजें याद रहेंगी वन इज की उस मसल की नर्व सप्लाई याद रहेगी Second, तुमको उस मसल उस मसल मसल का का फंक्शन याद रहेगा कि क्या काम था, ठीक है? नेक्स्ट इज अभी ऐसा होता क्यों अपर ट्रंक की जो इंजरी है मेनली किसकी वजह से होती है ड्यू टू अनड्यू सेपरेशन ऑफ हेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ बॉडी ठीक है क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया था थोड़ा सा मैं से, मतलब रफ सा डायग्राम बना के दे देती हूं, कि जो अपर ट्रंक है वो इधर वाली साइड पे है ठीक है और जो लोअर ट्रंक है वो अंदर वाली साइड पे है तो अगर अपने ये वाले एरिया से हेड का बहुत ज्यादा दूर जाएगा अगर हेड का अंडू से तो ये वाली जगह अपने नेक की खींचेगी ना जैसे अपने नेक को स्ट्रेच करते हैं तो अंडू सेपरेशन ऑफ हेड की वजह से अपर ट्रंक की इंजरी हो सकती है और लोअर ट्रंक की इंजरी कब होगी जब अपने ये हैंड का हाइपर

ठीक है अब जो भी अपनों जो भी ये अपनों ने ये ने ने पढ़े पढ़े कि कि साइंस इसमें देखने को मिलती है इन केसेज ऑफ अब्सि ठीक है पुलिसमैन टिप डिफॉर्मिटी क्यों बोला गया क्योंकि जैसे पुलिस वाले ऐसे नहीं पीछे से टिप लेते हैं उस तरीके से इसका पोस्टर बन जाता है मतलब का देखो जैसे पुलिस वाले ऐसे होते हैं कि ऐसे हाथ पीछे करते हैं और टिप मांगते हैं उसी तरीके से क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है शोल्डर जॉइंट पे एडक्शन हो रहा है मीडियल रोटेशन हो रहा है शोल्डर जॉइंट पे एक्सटेंशन हो जा रहा है एल्बो जॉइंट पे एंड प्रोनेशन हो जा रहा है एट द रेडियो अल्नर जॉइंट ठीक है तो दिस इज इसीलिए इसको पुलिसमैन टिप डिफॉर्मिटी भी बोला जाता है जो किसमें देखने को मिलेगी इन केसेज ऑफ अब्साल ये जो मैंने अभी बताया ये उसका वो थ्योरी है इसको पढ़ लेना ये डायरेक्ट ही चीजें हैं कौन कौन सी मसल को सप्लाई करिए का काम है थोड़ा सा मसल्स का ध्यान रखना पड़ेगा इसमें नेक्स्ट इस जो रेडियल नर्व का ने इसमें जैसे इसमें देखा ना हमने कि रेडियल नर्व का भी पालसी हो रहा है पार्शियल पैरालाइसिस हो रहा है पालसी में, रेडियल नर्व का भी तो रेडियल नर्व कि वैसे तो रेडियल नर्व बहुत सारी मसल्स को सप्लाई करती है बहुत सारी एक्सटेंसर मसल को पूरे के पूरे एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को रेडियल नर्व सप्लाई है ना लेकिन यहाँ पे इसका पार्शियल डैमेज हो रहा है तो पार्शियल डैमेज में भी मेनली अपने को कौन सी मसल का डैमेज देखने को मिलता है अब

Uh, ये ना इसका एक और क्वेश्चन एक तरीके से फॉर्मुलेट होता है रेडियलिस रेडियलिस मसल 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 का मैं बता रही radialis, जो है है ये कंपार्टमेंट की मसल है ना ये क्या कर रही है फ्लेक्शन कर रही है फ्लेक्शन एट एल्बो जॉइंट कर रही है लेकिन ये सप्लाई किससे हो रही है रेडियल नर्व से रेडियल नर्व अपने किस रेडियल नर्व को अपने जनरली क्या बोलते हैं एक्सटेंसर नर्व बोलते हैं ना कि जितनी भी एक्सटेंशन वाली मसल है उन सबको सप्लाई करेगी कौन रेडियल नर्व लेकिन ब्रेकियो मसल उस चीज का एक्सेप्शन है क्योंकि ब्रेक क्या है है तो मसल फ्लेक्शन की इसके मतलब अगर ब्रेक्यो रेडियो काम कर रही है तो हो तो एल्बो जॉइंट पे फ्लेक्शन रहा है लेकिन ये सप्लाइड किससे है एक्सटेंसर नर्व से दैट इज रेडियल नर्व ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है का कि हाथ में सिर्फ ब्रेक्यो रेडियलिस ही ऐसी मसल है जो फ्लेक्शन कंपार्टमेंट की है लेकिन एक एक्सटेंसर नर्व से सप्लाई हो रही है नेक्स्ट इज अगर लोअर ट्रंक की पालसी हो जाएगी तो उससे अपने को क्या क्या नर्व इंजरी देखने को मिलेगी क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे तो लोवर ट्रंक इंजरी को क्या बोलते हैं क्लुम्पक पहले पॉलिसी पै, बोलते हैं

मसल्स हैं उनका एक रफ आईडिया दोबारा ले लेना ठीक है कि एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में कौन सी है सुपरफिशियल कंपार्टमेंट में कौन सी है डीप कंपार्टमेंट में कौन सी है उसको मैं बताऊंगी लेकिन मतलब एक बार एक उस चीज को रिवाइज कर लोगे पहले से तो तुमको वो समझना और भी इजी होगा ठीक है तो ये होमवर्क है कल सब करेंगे क्या अपर एंड जो फोर आम एंड आर्म की एक्सटेंसर एंड फ्लेक्शर जितनी भी मसल्स है उनकी एक रीडिंग लेनी है सिर्फ ठीक है फिर मेरे को वो चीजें समझानी आसान हो जाएंगी कि कौन सी नर्व की इंजरी की वजह से कौन सी मसल पे इफेक्ट आ रहा है तो अपने को क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे ठीक है तो इसमें अपने क्या देख रहे हैं कि अल्नर नर्व जो है अल्नर नर्व की इंजरी की वजह से क्या हो रहा है क्लॉ हैंड डेवलप होता है अगर सिर्फ अल्नर नर्व की इंजरी होगी तो क्या डेवलप होता है क्लॉ हैंड डेवलप होता है लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है दोनों ही नर्व की इंजरी हो जा रही है कौन सी अल्नर नर्व नर्व की की भी एंड जब इन दोनों नर्व का इंजरी होता है तभी अपने को देखने को मिलेगा कंप्लीट क्लॉ हैंड अब क्लॉ हैंड का सबसे पहले मतलब क्या है क्लॉ हैंड किस वजह से हो रहा है या इसको अपने किस Uh, मतलब वो देखेंगे किस तरीके से अपने देख सकते हैं <coughs> पहले इसका फोटो लुम्ब्रिकल का क्या फंक्शन होता है लुम्ब्रिकल मसल का क्या फंक्शन होता है

फर्स्ट एंड सेकेंड फर्स्ट एंड सेकेंड जो फिंगर है उसको उसको कौन सप्लाई कर रही है मीडियन नव सप्लाई कर रही है फर्स्ट एंड सेकेंड फिंगर की uh, इसको लुम्ब्रिकल मसल को ठीक है थर्ड एंड फोर्थ फिंगर की लुम्ब्रिकल मसल को कौन सप्लाई कर रही है अल्नर नव इन लुम्ब्रिकल मसल का काम क्या था अगर ये लुम्ब्रिकल मसल अपना काम करती रहती तो इसका काम क्या है ये फ्लेक्शन करवाती है कहाँ पे एट एमसीपी जॉइंट एमसीपी क्या है मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट ना जो अपना ये हाथ का मेटाकार्पो जॉइंट सबको पता होगा मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट पे क्या करवाती है फ्लेक्शन कौन लुम्ब्रिकल मसल सेकंड जो इंटरफेलेंजियल जॉइंट है मतलब जो अपने ये हाथ की डिजिट्स के बीच में जो जॉइंट है इंटर फेलेंजियल जिनको बोलते हैं वहां पे क्या करवाती है ये एक्सटेंशन करवाती है ठीक है तो ये चीज़ ध्यान रखना लुम्ब्रिकल का क्वेश्चन आता है वैसे भी इसकी भी इसकी नर्व नर्व सप्लाई का कि कौन 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 सी uh, की, कौन सी को कौन सी फिंगर की को क्या, तो कर क्या, क्या, क्या करता है एक्सटेंड करता लेकिन इसमें क्या हो रहा है यहाँ तो अल्नर नर्व की पॉलिसी हो है तो अगर अल्नर नर्व की पॉलिसी होगी तो क्या होगा थर्ड एंड फोर्थ फिंगर पे फ्लेक्शन नहीं होएगा एमसीपी पे जिसकी वजह से अपने को एक्सटेंशन देखने को मिलेगा एमसीपी जॉइंट पे एंड फ्लेक्शन देखने को मिलेगा कहां पे जॉइंट पे मीडियन नर्व की इंजरी होएगी तो ये सेम ही इसका अपोजिट कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर पे होएगा और अगर दोनों नर्व का इंजरी हो गया मीडियन एंड अल्नर नर्व तो चारों फिंगर्स पे अपने को क्या देखने को मिलेगा एक्सटेंशन एट एमसीपी जॉइंट एंड फ्लेक्शन एट पीआईपी जॉइंट ठीक है दिस इज क्लॉ हैंड कंप्लीट है पार्शियल है तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी नर्व की इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रही है हाँ तो जैसे जो फर्स्ट वाला डायग्राम है दिस इज फॉर कंप्लीट क्लॉ हैंड जिसमें तुम देख सकते हो कि दिस इज मैटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट एमसीपी है यहाँ पे अगर लुम्ब्रेकल सही काम कर रही होती है तो फ्लेक्शन देखने को मिलता है जो कि इसमें नहीं हो रहा है लुम्ब्रेकल सही काम नहीं कर रही है उसकी नर्व की इंजरी हो चुकी है तो यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिल रहा है एक्सटेंशन एट एम सी पी ज्वाइंट मेटाकार्पो फेलेंजियल ज्वाइंट एंड फ्लेक्शन एट इंटर फेलेंजियल ज्वाइंट ठीक है इसमें चारों फिंगर्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है इसीलिए इसको कंप्लीट क्लॉ हैंड बोल हैं? इसमें सिर्फ दो फिंगर्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है इसीलिए इसको पार्शियल बोला जाता है 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 इसमें कौन सी नर्व की 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 इस वाले हाथ में में क्या की की इसके साथ साथ में क्या होता है? T1 के ना कुछ sympathetic भी होते हैं उसकी नर्व इंजरी की वजह से ना एक सिंड्रोम डेवलप होता है that is Horner syndrome.

हो 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 जाना, हो जाना ठीक है है, है, मतलब का, का जब uh, pupil का size less than 1 mm रह जाता जाता तब उसको है, condition वहाँ पे हो tosis, कौन सी मसल के पेरालाइसिस की वजह से होता है टॉसिस so, जैसे कि तुम इस वाली आई में देख भी सकते हो यहाँ पे मेसिस uh, भी हो रखा है टॉसिस भी हो रखा है टॉसिस uh, कौन सी मसल की पेरालाइसिस की वजह से होएगा? आईलेट के मेंटेनेंस के लिए कौन सी मसल होती है मूलर मसल ठीक है अगर मूलर मसल का पैरालाइसिस होता है तब अपने को देखने को मिलेगा ड्रूपिंग ऑफ आईलेट दैट इज प्रोसेस

लंग में एडिनोकार्सिनोमा गुड और इंडिया में मोस्ट कॉमन स्वाम से नेक्स्ट दिस अबाउट विंगिंग विंगिंग ऑफ ऑफ स्कैपुला स्कैपुला जिसकी वजह से पैरालिसिस हो जा रहा है किसका सीरेटस एंटीरियर मसल का जिसकी वजह से देखो ये जो स्कैपुला uh, है ये हमेशा लेटरली प्लेस्ड मिलती है अपने प्रॉपर जगह पे भी नहीं मिलती है ना जिसको बोलते हैं इसका रोटेशन हो जाता है क्योंकि इसको इस जगह पे सेरेटस एंटीरियर मसल ने मेंटेन रखना था जो कि इसको नहीं रख पा रही है ठीक है ये कुछ डायरेक्ट वो क्वेश्चंस uh, हैं जिसमें से जैसे ड्रुप्ड शोल्डर से भी कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ड्रुप्ड शोल्डर कौन सी मसल से ज्यादातर इसको डेल्टॉइड सोचते हैं ना बट ड्रुप्ड शोल्डर कौन सी मसल की पालसी की वजह से होता है ड्यू टू ट्रेपीजियस मसल की पालसी की वजह से फ्लैट शोल्डर किसकी वजह से होता है फ्लैट शोल्डर कौन सी मसल की पालसी की वजह से होता है कौन सी मसल के पैरालिसिस की वजह से फ्लैट शोल्डर का मतलब समझ रहे हो ना फ्लैट शोल्डर का मतलब है जैसे कि ये अपने शोल्डर में एक वो रहता है राउंडेड वो रहती है ना यहाँ पे ऐसे आ, देखो यहाँ पे ऐसे राउंडेड मार्जिन है ये राउंडेड ना हो के जब फ्लैट हो जाएगा तब उसको बोला जाता है फ्लैट शोल्डर तो यहाँ पे मेनली कौन सी मसल होती है जो मल्टीपिनेट मसल है यहाँ पे कौन सी है शोल्डर एरिया में

नेक्स्ट इज नर्व ये मस्कुलर नर्व का मैंने बता दिया है ये एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म की मसल है सबसे पहले तो कौन सी उससे डराइव हो रही थी लेटरल डराइव हो रही है मेनली तीन मसल को सप्लाई करती है बीबीसी तो इसका आता है ब्रेकिलिस का क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्रेकेलेस को कौन सी नर्व सप्लाई करती है ठीक है तो ये ध्यान रखना है इसका मेन फंक्शन जो बीबीसी मसल है इसका क्या काम है सुपाइनेशन एंड फ्लेक्शन आर्ट एल्बो जॉइंट नेक्स्ट uh, क्लास में तुम लोग पढ़ के रखोगे क्या आर्म्स एंड आर्म एंड की मसल पढ़ के रखनी है ठीक है अभी तक इसमें कोई डाउट किसी को अच्छा फ्रामेंट साइन किसमें देखने को मिलता है चलो ऐसे जनरल बात करते हैं जब तो तक, तो तक सेशन नहीं कंप्लीट होता फ्रॉमेंट साइन किसको बोलते हैं कौन सी नर्व में देखने को मिलता है कौन सी नर्व इंजरी में

ये कौन सी नव की इंजरी में देखने को मिलेगा साइन ऑफ बेनेडिक्शन ये मैं बता दूंगी जिसको नहीं है मतलब वो है तो अपने कोई बात नहीं नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो नहीं टेंशन नहीं लेनी है बस मीडियम नर्व गुड कार्पल टनल सिंड्रोम में कौन सी नव की इंजरी होती है ओके ब्लड ब्रेन बैरियर कौन सी वो बनाती है कौन सी सेल्स से बनता है ब्लड ब्रेन बैरियर ब्लड ब्रेन बैरियर कौन सी मसल uh, कौन सी सेल्स से बनता है एस्ट्रोसाइट्स गुड ओके ब्लड टेस्टिस बैरियर शायद वो बताओ सर्टोली सेल से बनता है ये ध्यान रखना ठीक है हम्म hmm, सर्टोली ओके okay. ओ ये बताओ तुम तो लोग चलो अ आ... अच्छा कुछ चीजों का वेट पूछती हूँ प्लेसेंटा का वेट कितना होता है टर्म तक जाते जाते नहीं नहीं नो प्लेसेंटा का वेट कितना होता है टर्म तक फाइव हंड्रेड ग्राम किडनी का वेट कितना होता है टोटल किडनी और लिवर का बस ध्यान रखना प्लेसेंटा किडनी और लीवर ठीक है ये तीन मेन जो है जो ध्यान रखने वाले हैं जो किसी किसी पीएससी में लिवर का तो क्वेश्चन आया हुआ है कि लिवर का कितना वेट होता है लिवर का होता है अप्रोक्स 1.6 केजी एंड किडनी का होता है अप्रॉक्स वन थर्टी टू वन सिक्सटी ग्राम ठीक है लिवर का ध्यान रखना लिवर का क्वेश्चन आया हुआ है अच्छा कुछ स्ट्रक्चर्स की वो बताओ लेंथ बताओ ठीक है अम्ब्लाइकल uh, कॉर्ड का कितना लेंथ होता है अम्ब्लाइकल कॉर्ड का लेंथ कितना होता है नहीं

ठीक हाँ, uh, है? इन सब सब की इन सब की लेंथ कितनी अपनी बॉडी में फोर्टी फाइव सेंटीमीटर अच्छा कौन सा लिम्ब है जो थोरेसिक डक्ट में डायरेक्ट ड्रेन नहीं करता hmm. राइट अपर लिंब एंड राइट साइड ऑफ अपर जो फेस है वो थोरैसिक डक्ट में डायरेक्ट ड्रेन नहीं करता है ये ध्यान रखना है किसी उसमें क्वेश्चन आ हुआ ना राइट अपर लिंब एंड राइट साइड ऑफ फेस थोरैसिक डक्ट कौन से उससे से हाइट्स से क्रॉस करती है उसको डायफ्राम कौन से हाइट्स में होती है थोरैसिक डक्ट डायफ्राम में हाइट्स होते हैं ना T8 uh, T10 और T12 पे कौन से से थोरैसिक डक्ट क्रॉस करती है नहीं टी10 पे कहां बीच में आ जाएगा टी12 से करती है ना टी12 से मेन और कौन सी स्ट्रक्चर करती है T12 से मेनली कौन सी स्ट्रक्चर है जो अपने को ध्यान रखनी है हाइटास से डायफ्रामेटिक हाइटास से बात हो रही है डायफ्राम में जो तीन मेजर ओपनिंग्स होती हैं उससे कौन-कौन सी स्ट्रक्चर क्रॉस कर रही हैं एब्डोमेन से थोरैक्स में आ रही हैं या फिर थोरैक्स से एब्डोमेन में जा रही हैं ठीक है तो so, टी12 पे अपनों ने एक तो पढ़ा थोरैस्टिक डक्ट और कौन सी स्ट्रक्चर होती है जो मेन है मेन मेन बता दो चलो इसकी तीनों की एओर्टा गुड टी10 से इसोफेगस टी8 से अरे लिवर के पीछे से क्या जाती है इनफीरियर वेना के वाना एजाइगस वेन इसी टी ट्वेल्व से जाती है एजाइगस वेन थोरेसिक डक्ट ना ये सारे के सारे क्या है अपनी बॉडी के इधर लेफ्ट साइड में प्लेस्ड होते हैं तो ये सब के सब टी ट्वेल्व से जाते हैं या। चलो नेक्स्ट तो। और अच्छा यूरिथ्रा का और फेलोपियन ट्यूब का लेंथ बता दो बस फिर लेंथ वाले से और कोई मतलब और किसी चीज का ऐसे लेंथ का क्वेश्चन नहीं है सिर्फ वी स्टफ वाला याद रखना उसके में से लेंथ का क्वेश्चन आता है और यूरिथ्रा एंड फेलोपियन ट्यूब का फेलोपियन ट्यूब का लेंथ कितना होता है Good.

नेक्स्ट क्लास में पढ़ के रखना मसल्स uh, वाला पोर्शन ठीक है फिर अपने मसल्स और नर्व सप्लाई वाला और फोसा वाला पोर्शन कल की क्लास किसी को कोई भी डाउट हो कहीं पे भी कोई दिक्कत हो पूछ सकते हो तो हम लोग मैसेज पे या फिर कॉल पे ठीक है